करो फिर बजेंगे पब्लिक की जमात पर प्रतिबंध करो बंद करो बंद करो सऊदी अरब द्वारा हाल ही में तबलीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अब भारत में भी हिंदू संगठनों ने तबलीगी जमात के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां भी दारुल उलूम और अन्य इस्लामिक संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू समाज पार्टी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से करते हुए एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया है। हिंदू संगठनों से जुड़े इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब इस्लाम के मुख्य केंद्र सऊदी अरब द्वारा ही तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया है तो भारत सरकार को भी चाहिए कि ऐसे आतंकी संगठन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए। रोहन सक्सेना प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल जी, आज के संबंध में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने संपूर्ण देश के अंदर और ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित करा है। ज्ञापन दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात, जमात उलेमाए हिंद, ये तीनों संस्थान आतंकवाद का प्रवेश द्वार है, आतंकवाद को शरण और प्रशिक्षण देने वाली संस्थान है, इन पर अविलंब प्रतिबंध लगे, इन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। और अरब जो सऊदी अरब पे इस्लामिक गतिविधियां चलती हैं उस देश ने भी आज और कुछ दिन पूर्व इन तीनों संस्थानों पर अपने आप प्रतिबंध करा है और वो मैं खुद मानता है कि ये आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। इसलिए भारत सरकार को भी ऐसे संस्थानों पर प्रतिबंध करना चाहिए, इनके जितने भी मौलवी पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए और जितने भी मदरसे दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात, जमात उलेमाए हिंद के हैं उन पर ताले लगा देने चाहिए ताकि देश के अंदर भविष्य में कोई बड़ी घटना ना घटित हो सके। आज आप किससे मिले हो? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है देश के राष्ट्रपति जी के नाम और आशा है कि इन सभी मांगों पर शीघ्र की शीघ्र कार्रवाई होगी।